नवम्बर टाइम्स में दर्शकों का स्वागत है। साथियों, आज से हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। कार्यक्रम रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर है। पिछले कई सालों से रियल एस्टेट बाजार में मंदी छाई हुई है। रियल एस्टेट के क्या हालात हैं इस समय और आने वाले समय में रियल एस्टेट का भविष्य क्या होगा, और अभी रियल एस्टेट का भविष्य क्या है, यदि कोई इसमें निवेश करना चाहता है तो निवेश करने के लिए भी क्या फ़ायदे हैं इसमें। नई मुंबई एक विकसित शहर है, और यदि कोई नई मुंबई में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे आने वाले भविष्य में कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, उसका रिटर्न कितना मिलेगा, हम आज इसी विषय पर बात करने वाले हैं अपने रियलिटी शो में, रियल एस्टेट के शो में। हमारे साथ में आज आप सभी दर्शकों से बातचीत करने के लिए, रियल एस्टेट मार्केट के बारे में जानकारी देने के लिए, इंफ्रामेट्रिक्स कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के CEO मिस्टर उमेश पांडे जी हमारे साथ में हैं, और ये BE हैं, MTech हैं, BCA हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब उमेश पांडे जी को 35 सालों का एक्सपीरियंस है। इन्होंने कई बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे अच्छे पदों पर रह कर के काम किया है, और आज इसीलिए हमने इनको बतौर गेस्ट यहाँ पर आमंत्रित किया है कि वे हमारे साथ में आए और हमारे दर्शकों को इस बात की जानकारी दें कि यदि कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है तो आने वाले समय में उसे कितना रिटर्न मिलेगा, क्या फ्यूचर है। तो अभी हम आपके सामने श्री उमेश पांडे से बात करेंगे। धन्यवाद मनीष जी, इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए और मौका देने के लिए कि मैं आपके दर्शकों से रूबरू हो सकूं, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आपके चैनल का। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो नवी मुंबई का आपने बताया, तो 1971 में थोड़ा ब्रीफ आपको जो नए दर्शक हैं उनके लिए बताता हूँ कि कैसे नवी मुंबई का उदय हुआ। 1971 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मुंबई को सपोर्ट करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज़्यादा था, प्रेशर था, तो 1971 में इन्होंने नव मुंबई बनाने के लिए, एक अर्बन सिटी बनाने के लिए सिडको की स्थापना हुई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से। और उसके बाद से सिडको ने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपको बताता हूँ पिछले काफ़ी वर्षों में, और काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखा गया रियलिटी स्टेट में। जैसे 1995 में थोड़ा कुछ इसके ऊपर में प्राइसेस वगैरह, लेकिन अभी जो आने वाला समय है और वर्तमान समय है, मैं वो जो उसकी संभावनाएं हैं उसके बजाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों नव मुंबई के लिए बहुत अच्छी संभावना है अगले 5 से 10 साल के अंदर में। क्योंकि नव मुंबई अपने आप में ये प्लांट सिटी है और इंडिया के top 3 शहरों के अंदर इसका नाम है, और जो गवर्नमेंट स्वच्छता अभियान शुरू किया था उसमें नव मुंबई को 3रा स्थान प्राप्त हुआ, सफाई के लिए, पर्यावरण के लिए, ग्रीन स्पेस के लिए और हाइजीन के लिए भी आप बोल सकते हैं उसमें। तो ये एक अपने आप सबसे बड़ा एडवांटेज है। और दूसरा एक एडवांटेज मैं बोलता हूँ, नव मुंबई को बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है पूरे महाराष्ट्र से और देश के साथ। आप बोलें ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क इतना अच्छा सिडको ने प्लान किया या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको डिजाइन करवाया। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जो सब अर्बन ट्रेन है उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है नव मुंबई की। फिर ये नव मुंबई से अगर आपको कहीं बाहर जाना हो, जैसे आप ये जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे की अपन इतनी बात करते हैं, तो वो भी देखिए JNPT हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नव मुंबई है। JNPT जो इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, नई मुंबई जहाँ जहाँ पर भी सिडको या नई मुंबई महानगर पालिका सुविधाएं दे रही है जी, वहाँ पर तो वो डेवलप एरिया हो, जैसे वासी हो गया पूरा डेवलप हो गया, कोपर खैरना, एरोली, ये सब डेवलप एरिया है। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इन्वेस्टर के लिए जगह कौन सी फिट बैठती है, वो कहाँ इन्वेस्ट करें। हाँ, मैं आ रहा हूँ उसी पॉइंट में, मैं एक मिनट में ख़त्म करता हूँ। इसके एडवांटेज आपको बता देता हूँ जो ओवरऑल जो सभी नव मुंबई के लिए हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट का हो गया। दूसरा, आप जो मुंबई ट्रांसफर लिंक देख रहे हैं, आप जो MTHL जो सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज है 22 किलोमीटर का, उसके भी 2 से 3 साल में पूरा हो जाने की संभावना है। और एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इंडिया का टॉप एयरपोर्ट में आप बोल सकते हैं बनने के बाद रहेगा, वो भी 2-3 साल में पूरा हो जाएगा। तो ये पूरा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का पूरा सीनेरियो बदल जाएगा। देखिए अभी जो डेवलपमेंट और ग्रोथ रेट है, जो अभी जो पब्लिक इन्वेस्ट करती है
वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। आज जो ग्रोथ सेंटर है वो 3 साल बाद अलग ग्रोथ सेंटर रहेगा, तो वो भी दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि अगर हम आगे 3 साल बाद जब ये एयरपोर्ट बने और जब कनेक्टिविटी हो जाए तो हम कहाँ पर उसके हिसाब से जाएँ। तो ये मेरा इसलिए बोलना था कि ट्रांसपोर्ट है। फिर कोस्टल रोड है नवी मुंबई के 10 किलोमीटर का, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, ये भी कोस्टल रोड कनेक्ट हो रहा है आपके MTHL से आके 6 लेन का। फिर 10 लेन का मल्टी मॉडल कॉरिडोर है जो आपका अलीबाग विरार जो है वो कनेक्ट होता है, वो भी हमारा नव मुंबई से निकल रहा है, पुष्पक नगर होते हुए चिरले ओवर के पहले जो जंक्शन है वहाँ से निकलेगा वो। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ के लिए और सारी तमाम अदर फैसिलिटीज़ हैं। तो नव मुंबई अभी आपको जो जैसे आपने पूछा कि कहाँ कौन सा सेक्टर है या कौन से एरिया अभी जो है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, देखिए वर्तमान के हिसाब से तो अगर वर्तमान में जिसको रहना है खुद अभी आके तुरंत साल दो साल में, उसके लिए तो वासी है, CBD है, नेरुल है और कोपर खैरने वाला जो एरिया खारगर डेवलप हो गए, ये से नोड में जाना है अच्छा है। लेकिन किसी को अगर 3 से 5 साल के बाद में अगर आना है रहने के हिसाब से आना है तो उलवे है आपका, करंजड़े है जो न्यू पनवेल का एरिया है, और पुष्पक नगर है, और जो जहाँ पर आपका चिरले ओवर जो एरिया जो अभी डेवलपमेंट के जस्ट सिटको इज़ वर्किंग ऑन दैट, तो उस एरिया में इन्वेस्ट करने का अच्छा वो है क्योंकि वहाँ रेट अभी मॉडरेट है मिडिल इनकम ग्रुप के लिए। जो हायर इनकम ग्रुप है उनको वासी वगैरह में जाना चाहिए, तो अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वगैरह वहाँ पर आ रहे हैं तो इन्वेस्टर को फ्लैट्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है या फ्लैट्स वगैरह में किस में उस बेस्ट उसके लिए प्लान क्या है, बेस्ट ऑप्शन क्या है इन्वेस्टर के लिए? इन्वेस्टर के लिए तो देखिए आप इन्वेस्टर की कैटेगराइज करिए, अगर इन्वेस्टर कंपनी है कॉरपोरेट है तो उसको ऑफिसेस में जाना चाहिए, कॉमर्शियल में जाना चाहिए, क्योंकि जब नव मुंबई एयरपोर्ट बनेगा तो काफ़ी यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू होंगी और वो अच्छा रिटर्न देगा आपको। मतलब आज 2022 से लेकर 30 तक आप समझ लीजिए तो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है 3 to 4 times होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो तो एक ऐसा हो गया, अगर रेसिडेंशियल में आपको जाना है उसमें भी 3 to 4 times मिलेगा आपको। बट अगर आप शुरू से ही कोई अगर कास्टली प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं 2 करोड़ और 4 करोड़ के कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं अभी के रेट में, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि वो जाके 8 करोड़ या 7 करोड़ का रिटर्न आपको देगा 4 से 5 8 साल के बाद में। अभी ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि नई मुंबई बहुत दूर है और जहाँ ये जो महा मुंबई के नाम से नई सिटी जो है मेगा सिटी जो सिडको ने डेवलपमेंट करने का प्लान बनाया है उसके लिए इन्वेस्टर अभी रेडी नहीं है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि इन्वेस्टर यहाँ आकर के रेडी हो? देखिए ये जिसको नव मुंबई की जानकारी होना ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ, 2000 में रेट यहाँ पर जो COD स्टेशन के पास में 1000 से 1500 का रेट था उसको रेसिडेंशियल के लिए, वो आज के टाइम में 15,000 से 18,000, मतलब 20 साल में 15 टाइम्स का ग्रोथ हुआ है। और जिसको जानकारी नहीं है वो बोलेगा सिडको ने इतनी अच्छी प्लानिंग की है यहाँ पर कि देखिए वो आपको रेलवे है, हाईवे है, रोड की कनेक्टिविटी, सारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है। बट सिडको के नोडल एरिया में आप इन्वेस्ट करेंगे तो सिडको के नोडल एरिया में जो है आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, सिडको नोडल एरिया के बाहर जाने से वो रिटर्न थोड़ा कम मिलता है। इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी बात है कि आदमी या ज़मीन में या फ्लैट में कहीं इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहला ये उसके लिए सिक्योर पॉइंट ये होना चाहिए उसके साथ धोखाधड़ी ना हो, क्योंकि नई मुंबई में बहुत से ऐसे बिल्डिंग है जहाँ इलीगल बिल्डिंगें बन जाती हैं, प्लाट कोई खरीदता है कोई तीसरे को, कोई 4 लोगों को भी बिका हुआ प्लाट होता है उसमें लोग फंस जाते हैं, लोगों का विश्वास तो टूटता है उसमें। तो इन्वेस्टर को जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो डॉक्यूमेंट्स लेवल पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या उसे चेक करना चाहिए? देखिए इसमें दो चीज़ मैं बताता हूँ, एक तो पहला जो लेमैन अप्रोच है, अगर आपको कुछ जानकारी नहीं तो आप रेप्यूटेड बिल्डर के साथ में जाइए, जो नव मुंबई के अंदर में कम से कम मेरे हिसाब से 40-50 के ऊपर रेप्यूटेड बिल्डर जो 20-25 साल से काम कर रहे हैं और वो उन्होंने कभी ऐसा उनके ये वाली केसेस बहुत कम या नहीं के बराबर होंगे मेरे ख्याल से, तो पहला तो क्राइटेरिया वो है। दूसरा अगर आपको जाना है तो आप अच्छे एडवोकेट या स्टेट कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए। सिडको का आप कभी भी आपको प्रॉपर्टी लेना है तो सिडको के नोडल रेंज में आप जाएंगे तो वो आपको जैसे सिडको की NOC है या रजिस्ट्रेशन है या पेपर देखने से आपको मालूम चल जाता है इमीडिएटली, आप रजिस्ट्रार के ऑफिस से चेक करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट लेके, या कंसल्टेंट को आप देंगे लीगल कंसल्टेंट है या स्टेट तो आपको विद इन 24 आवर्स ही विल टेल यू कि इसमें। इसके अलावा आने वाले फ्यूचर में अगर कोई इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट्स प्लान है तो अगर आपके पास में है कोई तो बताइए। इन्वेस्टर के लिए देखिए ऐसा है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि फ्लैट में जाना है वो अपन सिर्फ उसमें डिस्कस, या लैंड में जाना है। लैंड में जाने के लिए देखिए यहाँ जो सिडको लिमिट है वहाँ तो टेंडर के थ्रू ही प्लाट मिलते हैं उसके अंदर में, फ्री होल्ड लैंड ऐसा वो नहीं है कि
एग्रीकल्चर लैंड है और आपने ले लिया, जो सिडको के नोडल एरिया में सिडको इज द ओनर, वो सारे लीज प्लास्ट होते हैं। लेकिन पनवेल के आगे आपको जाना है तो नैना का प्लान मास्टर प्लान देखते हुए आप वहाँ पर लैंड का अच्छा लीगल कंसल्टेंट के थ्रू आप परचेस करेंगे तो वो भी आपको अच्छा रिटर्न देगा। वो गवर्नमेंट की लैंड नहीं होनी चाहिए, तो उसमें लैंड में भी अच्छा आपको रेवेन्यू आने के चांसेस हैं उसमें। धन्यवाद उमेश पांडे जी। धन्यवाद उमेश पांडे जी, समय की सीमा कम होने की वजह से आज इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे आने वाले समय भी कुछ हम नए मुद्दे लेकर के इस बारे में आएंगे, और इन्वेस्टर को क्या यहाँ पर बेनिफिट होगा, उसको क्या आने वाले समय में क्या समस्याएं उपस्थित पैदा हो, समस्याएं जो वो समस्याओं से फेस करना पड़ेगा उसे, और कैसे वो फेस करे यहाँ पर, उस बारे में भी हम बात करेंगे। कौन कौन से बिल्डर यहाँ पर अच्छे हैं, वो किन से जाकर के संपर्क करें जिससे वो उसके साथ धोखाधड़ी ना हो, कौन कौन से कागजात उसे देखने चाहिए, इस बारे में हम विस्तार पूर्वक अगले उसमें अंक में हम जरूर आपसे बात करेंगे, अपने दर्शकों को पूरी जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू मनीष जी, और सभी दर्शकों का धन्यवाद। नवी मुंबई टाइम्स का यह प्रोग्राम यदि आपको पसंद आया हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि कमेंट्स भी करें। इसके अलावा यदि आप हमें कोई सलाह देना चाहते हैं तो हम आपके सलाह का स्वागत करते हैं।